अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी समरी अप्रूव हो जाए तो फिर आपने उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने ये वेबसाइट खोलनी है, universitely.it। उसके बाद फिर आपने इंग्लिश पे करना है, वेबसाइट है इंग्लिश में लॉग इन करना है और यहाँ पे आपने अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करने हैं, यूज़र नेम और जो आपका पासवर्ड है। और उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अगेन ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश करना पड़ेगा ताकि फिर से इंग्लिश हो जाए। और यहाँ के एक्स्ट्रा यू सिटीज़न पे आके ये जो प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन है यहाँ पे करेंगे। तो इस अकाउंट में जो है 2 टाइम्स हमने फॉरवर्ड की थी, एक लास्ट ईयर और इस साल भी। तो गुड न्यूज़ ये है कि सेपियंसा यूनिवर्सिटी ने समरी फॉरवर्ड कर दी है और ये समरी की जो है वो है गो टू द क्वेश्चन ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। हमने रजिस्टर की थी 7 अप्रैल को और उन्होंने जो है समरी फॉरवर्ड कर दी है 21 अप्रैल को। तो इस टाइम सेपियंसा बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है समरी को। तो अब गो टू क्वेश्चन पर आके अगेन ये आपने इंग्लिश करना है, ये बार बार चेंज होता रहता है, ये उनकी वेबसाइट की सेटिंग है। तो आपने गो टू स्टेप पे करना है और ऐसे करके फिर अगेन आपने गो टू स्टेप सी करना है। और जैसे आप गो टू स्टेप सी करेंगे यहाँ पे लिखा होगा समरी, तो जैसे आप समरी पे डाउनलोड करेंगे ये आ जाएगी, डाउनलोड एंड प्रिंट द समरी ऑफ द यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। तो ये आपकी समरी आ गई। अब आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है और इसको सेव करना है। तो ये समरी आपने जब वीज़ा फाइल करेंगे उसके साथ जाएगी, और जो लोग इस्लामाबाद एम्बेसी से कंसल्ट करते हैं तो ये समरी उनके पास जाएगी इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो वहाँ जैसे जाएगी तो ये जो नंबर दिया हुआ है आईडी डोमेंडा, इस सीरीज़ के हिसाब से इस्लामाबाद एम्बेसी वाले आपको कॉल करते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कैसे समरी डाउनलोड करनी है और इसको किस तरीके से वीज़ा में फाइल करना है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।